देश के सबसे सम्मानित बिजनेस टाइकून रतन टाटा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। उन्हें गंभीर हालत के चलते मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में जिस भी चीज पर हाथ डाला है तो उन्हें सक्सेस ही मिली है। लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा को बॉलीवुड में भी खासा दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी इस चाह के चलते एक फिल्म में पैसा भी लगाया था, लेकिन अफसोस यहाँ उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और फिल्मों के बिजनेस में उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाया। उन्होंने सिर्फ एक ही मूवी को प्रोड्यूस किया था, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई थी। इसके बाद उन्होंने किसी भी मूवी में काम नहीं किया। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन सी थी वो फिल्म। आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम एतबार था, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रतन टाटा के इन्फो मीडिया फिल्म प्रोडक्शंस के तहत बनाया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम और विपाशा बासु लीड रोल में थे, जिसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। वही फिल्म की कहानी एक साइकोपैथिक लवर और उसकी प्रेमिका पर आधारित थी, जहां अमिताभ बच्चन ने विपाशा के पिता का रोल निभाया था, जो अपनी बेटी को साइकोपैथिक लवर से बचाता है। वो इतने बड़े स्टार कास्ट होने के बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म का बजट 9.50 करोड़ रुपए था और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.25 और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर महज 7.96 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। एतबार फिल्म 1996 में आई अमेरिकन फिल्म फेयर से इंस्पायर्ड थी। ऐसे में फिल्म पर लगाया रतन टाटा का पैसा तो डूबा ही, साथ ही रतन टाटा की फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की उम्मीद भी पूरी तरीके से टूट गई। एतवार के फ्लॉप होने से उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि रतन टाटा ने दोबारा कभी किसी फिल्म पर पैसा ही नहीं लगाया। वहीं इस तरह से एतवार रतन टाटा द्वारा निर्मित पहली और उनकी आखिरी फिल्म थी। हालांकि बिजनेस में रतन टाटा हमेशा ही सक्सेस में रहे हैं। उन्हें 21 साल की उम्र में टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था और उन्होंने बेहद मेहनत से उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी था। वहीं देश के सबसे सम्मानित और प्रिय उद्योगपतियों में से एक टाटा रतन की प्रोफेशनल लाइफ तो हमेशा ही शानदार रही है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। ये तो सभी जानते हैं कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना थी जिस पर कभी बिजनेस टाइकून का दिल आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय था जब रतन टाटा बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रिवाल से बेइंतहा प्यार करते थे। सिमी ग्रिवाल और रतन टाटा ने कई साल तक एक दूसरे को डेट भी किया। वहीं कई मौकों पर दोनों को एक साथ स्पॉट भी किया जाता था। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर टूट चुके थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बात शादी तक जाते जाते बन नहीं पाए। दोनों के अफेयर का पता लोगों को तब चला जब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि रतन और उनका रिश्ता काफी पुराना और गहरा है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग होगी। आपको बता दें कि रतन टाटा से अलग होने के बाद सिमी ग्रिवाल ने रवि मोहन से शादी रचा ली थी। बस यहीं से रतन टाटा और सिमी ग्रिवाल के रास्ते अलग हो गए थे। वहीं चलते चलते एक ज़रूरी जानकारी, आपको न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।